साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस फिजिकल न्यूज ग्रुप में क्या बातें चल रही है, कौन सा ये ग्रुप है जिसकी बातें चल रही है। तो क्या है कि मैं देखो आपको परेशान देख नहीं सकता और मैं ये कह नहीं सकता कि आगे क्या करें अभी, और मुझे ये पता है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आपका 15 गुणा में नाम आया है या नहीं आया और आप जो है फिजिकल पास करते हैं या नहीं करते, तो आगामी जो तैयारी है उसके लिए चाहे मैं कितना भी आपको मोटिवेट करूं, आपके मन में एक भय रहेगा मैं करूं या नहीं करूं, आगे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस में असफल हुए और उन्होंने IAS का एग्जाम भी पास किया है, जो पुलिस में असफल हुए वो सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, तो ये सब आपने देखा है। और जो 10वीं में भी फेल हुए 12वीं में भी फेल हुए वो भी तो आगे बढ़े हैं ना, तो हमको ये देखना है कि अभी करना क्या है। आखिर ये कौन सा ग्रुप था जिसके बारे में यहाँ पर मैंने आकर आप सबसे बात करने की कोशिश की, तो वह ग्रुप था राजस्थान पुलिस चयनित अधिकारीगण व जो सिपाही बंधु है उन सबका, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रुप है पुलिस का, वो ग्रुप है। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे बातें चलती रहती है, कभी मान लो कि किसी भी थाने की किसी भी जिले की कोई भी जरूरत पड़े ना वो उसमें सारी मिलती है। तो फिर मैंने भी पूछा कि मेरे कुछ युवा साथी हैं जो परेशान है, तो मैंने उनको एक मैसेज किया, ये लिखा हुआ है जयपुर पुलिस न्यूज, मैंने लिखा कि पुलिस भर्ती के फिजिकल इस माह होने की संभावना है या नहीं होंगे, कोई साथी बता सकता है क्या। बहुत सारे युवा विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान हैं जो पुलिस भर्ती का सपना लेकर आस में बैठे हैं कि 15 गुणा की लिस्ट कब जारी होगी, नहीं तो दूसरा रास्ता देखें। मैंने कहा कि वो काफी परेशान हो रखे हैं, ये कमेंट दिख रहा है क्या, आराम से पढ़ सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो ये जो है कि वो काफी परेशान हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक में विद्यार्थी ने DK ने किसी साथी ने यहाँ पर कमेंट किया जो पुलिस न्यूज का ग्रुप है, इसमें से पूरी जानकारी तो PHQ में बैठे हुए ऑफिस के माध्यम से ही लग सकती है, लेकिन इतना लगभग मानो कि जनवरी में IPS अधिकारी के प्रमोशन होने के बाद बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी, तो हो सकता है कि फिजिकल में वक्त लग जाए, बाकी जिन्हें वर्दी से प्यार है उन्हें फिजिकल की तैयारी जारी रखनी चाहिए, कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और उन्होंने ये प्यारा सा इमेज भेजा इस भाई ने, मुझे भी अच्छा लगा कि कसरत करना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन उन IPS के ट्रांसफरों के झमेले में हम लोगों को कितने दिन तक फंसा कर रखोगे साहब। फिर आगे एक कमेंट और आता है, अभी तक तो 18 से स्टार्ट होना था बट कन्फर्म नहीं है, आगे डेट मिल सकती है, ये लिखा है कैलाश जी ने, आगे डेट मिल सकती है, यानी 18 से कन्फर्म थे लेकिन आगे डेट मिल सकती है। जैसा पिछला वीडियो तब भी मैंने आपको ये कहा कि अभी तक हमारे पास CM पद का